धनबाद के महिला थाना में पिछले दिनों एक वृद्ध महिला भटकती हुई पहुंची थी, जिसे महिला थाना ने धनबाद स्थित टुंडी में लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी, कार्यकारिणी अध्यक्ष सुदीप वर्णवाल, सह सचिव सुरेंद्र यादव के सहयोग से सुरक्षित आश्रम पहुंचाया गया था। वहीं इस वृद्ध महिला के परिजनों को मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि महिला धनबाद में है, जिसके बाद वृद्ध महिला के परिजन धनबाद के महिला थाना पहुंचे और उसकी जानकारी ली, तो पता चला कि वृद्ध महिला टुंडी स्थित लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम में शरण ली हुई है। वृद्धा आश्रम से वृद्ध महिला को लेकर परिजन धनबाद स्थित महिला थाना पहुंचे और एक जिम्मेनामा पत्र लिखकर उस महिला को परिजनों को सौंप दिया गया। महिला थाना के स्टाफ और आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी, कार्यकारिणी अध्यक्ष सुधीर बर्णवाल ने महिला को फूल वक्त सहित कई सामग्री देकर खुशी खुशी उनके परिजनों के साथ वापस बिहार के लिए रवाना किया। वहीं मौके पर लालमणि वृद्धा सेवा आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष सुधीर वर्णवाल ने मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई परिजन अपने परिजन को हमारे यहाँ से लेकर अपने घर गए हैं, और हम और भी लोगों से अपील करते हैं कि हमारे आश्रम में भी माँ बाप हैं, वो भी अपने परिजनों को वापस अपने घरों में ले जाएं और मान सम्मान के साथ रखें, क्योंकि बुढ़ापे में हर कोई अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। महिला थाना इंचार्ज की तरफ से 4 दिन पहले महिला थाना के इंचार्ज फोन की थी कि हमारे यहाँ एक वृद्धा आई हुई है और उनके ये कहीं भटक गई है, तो आप लोग इनको रखने का, तो हम लोग इनको बाई लिखित हम लोग रखे ले गए थे और 4 दिन के बाद उनके बच्चे आज आए हैं लेने के लिए। तो मैडम को फिर फ़ोन करके उनको बताया गया, तो मैडम बोली आप थाना लेके आ जाओ, उसके बाद थाना से इनको इनके परिवार को दिया जाएगा। और भी मतलब पहली बार आपकी ये महिला, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बच्चे अपने माँ को लेने के लिए आए हैं। हमारे आश्रम में अभी 29 माँ बाप हैं और मैं आपके मार्फत मीडिया के मार्फत सभी बच्चे को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अपने आके अपने बच्चे को देखें। यदि आपकी माँ अपने माँ बाप आपके माँ बाप हैं तो आके ले जाए। ऐसे क्या हुआ था पुत्र? आज से 4 दिन पहले महिला थाना से मिली थी विशाखा मैडम, ने फ़ोन किया था उसके जरिए मिली। आज हम लोग को पहली बार ऐसा हुआ कि कोई अपनी माँ नानी को लेने के लिए यहाँ आए हमारे आश्रम में। इस और मैं पूरे मीडिया जगत जो भी इस न्यूज़ को चलाएं उनको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि आपके मीडिया के जरिया ऐसी माँ को अपना घर मिल गया। और हमको ये कहना है आपके चैनल के जरिए कि और भी 30 माँ बाप हैं हमारे बीच, जो बच्चे अगर देख रहे हैं एक बार हमारे आश्रम आए, अपने माँ पापा जो भी अपने रिश्तेदार को यहाँ से अपने घर ले जाए। बुढ़ापे में हर माँ बाप का सपना होता है कि अंतिम समय अपने बच्चों के साथ में रहे। इस नेक काम को लेकर वृद्ध महिला के परिजन ने पुलिसकर्मी और मीडिया को धन्यवाद दिया है। वहीं कहा कि मैं वृद्ध आश्रम के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे माँ को खुशी खुशी और अच्छे तरीके से आश्रम में रखें। इसलिए मैं आश्रम के अध्यक्ष मोहम्मद नौशाद गद्दी तथा कार्यकारिणी अध्यक्ष सुधीर बर्णवाल, शासकीय सुरेंद्र यादव सहित आश्रम के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो एक बुजुर्ग महिला थी जिसका उम्र 65 वर्ष की थी, जिसका नाम शांति देवी थी। वो भटकते हुए वो महिला थाना आ गई थी और महिला थाना के द्वारा उसको धनबाद के वृद्धा आश्रम में भेजा गया था। न्यूज के माध्यम से उसके घर वालों को पता चला तो वो लोग आज महिला थाना आए और हम लोगों ने बताया कि वो वृद्धा आश्रम में भेजा गया है। और वो लोग उसका जो नाती था जितेंद्र चौधरी, वो गए वृद्धा आश्रम से अपनी नाती को लेके आए महिला थाना और यहाँ जिम्मेनामा लिखित लेकर वो अपनी नानी को अपने साथ गया बिहार लेके चले। टी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद, मोबाइल नंबर 7004067।